फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के मुखिया और शांति दूत यासर अराफात की मौत की। हालांकि यासर अराफात लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, लेकिन उनकी मौत की खबर ने दुनिया को इसलिए चौंका दिया क्योंकि वो एक स्वाभाविक मौत नहीं लग रही थी। उनकी मौत के पीछे एक गहरी साजिश का दावा किया जाता है, क्योंकि जांच एजेंसियों को शक था कि जिस तरह से यासर अराफात की मौत हुई वो संदेह के दायरे को बढ़ा रही थी। शक ये था कि यासर अराफात को धीमा जहर देकर मारा गया। ये बात तब सामने आई जब मौत के कुछ महीनों बाद जांच के लिए उनके शव को कब्र से बाहर निकाल यूरी की जान ली, शायद उसी जहर ने यासर अराफात को भी मौत दी। लेकिन यासर अराफात के साथ ऐसा किसने किया? किसने उन्हें इतनी धीमी मौत दी? जिसका पता यासर अराफात का इलाज करने वाले डॉक्टर और उनके सबसे भरोसेमंद लोगों को भी नहीं चला। दावा किया जाता है कि इसराइल ने ही अपने दुश्मन नंबर वन यानी यासर अराफात को मारने के लिए पोलोनियम 210 का इस्तेमाल किया था, लेकिन रूस की फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी ने यासर अराफात की मौत के पीछे जहर की बातों को निराधार बताया था। यासर अराफात की मौत के पीछे कई रहस्यमय थ्योरियां गढ़ी गई। जो भी हो, लेकिन यासर अराफात की मौत भी दोनों देशों के बीच युद्ध की एक कड़ी है, क्योंकि यासर अराफात की पहचान इजराइल के अस्तित्व का विरोध करने वाले नेताओं में थी और पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल अपने दुश्मन का खात्मा करने के लिए कभी नहीं झुकता। इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद अपने दुश्मनों को सांप की तरह समझती है। वैसे भी आतंकी संगठन हमास वो सांप है जिसे कभी इजराइल नहीं पाला था, ठीक वैसे ही जैसे कभी ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाला था। अब इसी हमास का फन एक बार फिर इजराइल के खिलाफ उठा हुआ है, जिसे कुचलने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट दिन रात लगे हुए।